22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के कोने कोने से उनके भक्तों द्वारा तरह तरह के उपहार भेजे जा रहे हैं। इस बीच आज माता जानकी की जन्मभूमि से भी राम जी के लिए 5 ट्रक उपहार अयोध्या पहुंचा, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। अलग अलग जगहों से राम भक्त अपने आराध्य के लिए तरह तरह के उपहार ला रहे हैं। ऐसे में जगत जननी माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार से सनेश भार समर्पण यात्रा संयोजक श्री श्री 108 महंत कौशल किशोर दास जी महाराज के नेतृत्व में अयोध्या पहुंची, जिसमें 5 ट्रकों में भरकर अनेकों उपहार रामनगरी लाए गए हैं, जिसमें प्रभु राम के पूरे परिवार के लिए कपड़े, जेवर और खाने के सामान जैसे कि चावल, दही, चूड़ा, लाई मिठाई, फल व अन्य प्रकार के सामान अयोध्या लाए गए हैं। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी से लाए गए उपहारों की विस्तार से जानकारी दी है और बताया है कि कैसे सीतामढ़ी से लोगों ने प्रेम भाव से प्रभु राम के लिए सनेश भार भेजा है। सीतामढ़ी जो है माता जानकी का जो है जन्मस्थल है और माता जानकी के जन्मस्थल से जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार आए हैं। उसमें चांदी के तमाम सामग्री भेजी गई है, चाहे वो पायजनिया हो, चाहे पायल हो, चाहे कलश हो, चाहे जो है अंगूठी हो, चाहे जो है बाली हो, चाहे जो है वह जो है करधन हो, चाहे वह जो है एगो पवित्र हो। इस प्रकार से लोगों ने अपने अपने मर्यादा पूर्वक जो है उपहार भेजा है और उस उपहार को यहाँ पर श्री राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट ने स्वीकार किया है। पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार से यात्रा लेकर आए माता जानकी के मायके वालों ने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि सीतामढ़ी से लोगों का प्रेम इस यात्रा के साथ अयोध्या पहुंचा है। हम लोग जानकी माता के नैहर से राम जी के लिए संदेश भार लाए हैं, जिसमें उनकी जरूरत का सामान है। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि अपने बेटी के घर में गृह प्रवेश हो, चाहे कोई फंक्शन हो, कोई शादी विवाह, चाहे कुछ भी हो, तो उसके घर के लिए सारा सामान लेके उसके गृह प्रवेश के लिए जो रसोई बनती है उसका सारा व्यवस्था हम लोग लेके आए। उसमें खाने के सामान से लेके और बर्तन भारे और जेवर जेवरात टोटल चीज लेके यहाँ आए। सीतामढ़ी पुनौरा धाम से जानकी मैया का नैहर से मतलब मैंने राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है, उनके लिए सर सामान जो लाए हैं, भार लाए हैं, अनेक प्रकार का उनके लिए सामान लाए हैं जो जरूरत है इनको, वो सारा चीज़ की पूर्ति हम लोग पुनौरा धाम वाले किए हैं सीतामढ़ी मिला का। भूमि पुनौरा धाम से आए जहाँ माता सीता की जन्म हुई थी और हम अपने माता सीता के पति प्रभु श्री राम के लिए संदेश भार लेके आए हैं, क्या उनके गृह प्रवेश होने जा रहा है। हम लोग लेकर आए हैं मखान पान, वहाँ का जो लोकल मिठाई होता है खाजा गाजा और जो वहाँ के बहुत सारे लोकल मिठाइयाँ हैं वो सभी हम लेकर आए हैं, जो कि वहाँ त्योहारों पर मतलब जो लोगों के शादियाँ में जाता है तिलक में वैसे मिठाई हम जो दिया जाता है संदेश में वो हम लेकर आए हैं। गौरतलब है कि 22 जनवरी को प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही लगभग 5 शताब्दियों पुराना राम भक्तों का सपना पूरा होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के राम भक्तों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। बहरहाल 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरा देश इस वक्त राममय है। ऐसे में देश के कोने कोने से यहां तक कि विदेशों से भी भगवान राम के लिए भेजे जा रहे उपहार प्रभु राम के प्रति उनके असीम श्रद्धा को दर्शाता है। अयोध्या से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।